jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MS Tech Studio। तो दोस्तों, आज आप जो गाड़ी देख रहे हो वो मारुति सुजुकी की एल्टो 800 गाड़ी देख रहे हो। इसके अंदर बेंचुरी गैसकेट लगी हुई थी, तो बेंचुरी गैसकेट कुछ प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार गाड़ी शॉप पे लानी पड़ रही थी, तो उस कारण इसके अंदर आज सिक्वेंशियल गैसकेट में कन्वर्ट की जाएगी। बेंचुरी को हटा के सिक्वेंशियल गैसकेट इसके अंदर लगाई जाएगी। प्रॉब्लम कर रही थी ये, इस कारण इसके जो क्लाइंट हैं यानी जो उनकी ये गाड़ी है वो इसके अंदर सिक्वेंशियल गैसकेट कन्वर्ट करा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कि बेंचुरी गैसकेट क्या है। तो बेंचुरी गैसकेट और सिक्वेंशियल गैसकेट दोनों के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, लेकिन इसके अंदर मैं नॉर्मल ही बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बेंचुरी गैसकेट क्या है। तो दोस्तों, बेंचुरी गैसकेट के अंदर क्या होता है, जो आपका कार्बोरेटर होता है गाड़ी का, तो उसके अंदर गैस और एयर दोनों का मिक्स होके डायरेक्ट इंजन तक जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके अंदर आपकी गाड़ी का माइलेज भी थोड़ा कम रहता है, और गाड़ी कभी कभार झटके भी देती है, और कभी गाड़ी के धुएं के अंदर स्मेल आती है एलपीजी की। तो वो इस कारण आती है कि क्या है, कार्बोरेटर का जो एयर का और गैस का मिक्सर है वो कभी कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इसी के कारण लोग आजकल बेंचुरी गैसकेट नहीं लगवाते, सिक्वेंशियल गैसकेट लगवाते हैं। सिक्वेंशियल गैसकेट में क्या होता है कि आपका सारा एक कंट्रोलर यूनिट रहता है, तो उसमें आपके इंजन में जो प्रॉपर गैस भेजी जाती है वो पूरी की पूरी प्रॉपर सही तरीके से भेजी जाती है जितनी ज़रूरत होती है, और अलग अलग इंजेक्ट यानी आपकी जो गाड़ी होती है वो अलग अलग सिलेंडर के हिसाब से होती है, तो उसके अंदर इंजेक्टर से पाइप जोड़े जाते हैं अलग अलग सिलेंडर के अंदर, तो प्रॉपर आपकी जो गैस जाएगी अलग अलग सिलेंडर में प्रॉपर सही तरीके से और बराबर जाएगी। तो इस कारण इसमें गाड़ी झटके वगैरह और पीछे जो आपका धुआं निकलता है उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती है, और इंजन के लिए ये किट अच्छी रहती है। तो इस कारण लोग बाग बेंचुरी से सिक्वेंशियल गैस किट में कन्वर्ट कराते हैं। अब यदि दोस्तों बात की जाए इसकी प्राइस की, जैसे भाई प्राइस कितनी आती है सिक्वेंशियल गैस किट बेंचुरी गैस किट से, यदि अपन सिक्वेंशियल गैसकेट में इसको कन्वर्ट कराएं तो प्राइस कितनी आएगी। तो प्राइस दोस्तों, इसके अंदर पूरी की सारी किट इंस्टॉलेशन की जाती है, जो आपकी बॉक्स आता है सिक्वेंशियल गैसकेट का एक बॉक्स आता है, उसमें आपके पाइप वगैरह, ईसीयू यानी कंट्रोलर यूनिट, इंजेक्टर, मैप सेंसर, वेपराइजर और आपके एयर गैस फिल्टर, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारा एक किट आती है। तो वो आपको कम से कम 18,000 तक पड़ जाती है, यानी आप एक नॉर्मल कंपनी की सही ढंग की तरीका की वाली गैसकेट लगवाओगे तो 18,000 तक की आपको पड़ेगी। अब आपके बजट के ऊपर है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ भाई लोगों का बजट कम होता है तो वो थोड़ी लोकल कंपनी लगवा लेते हैं। सिक्वेंशियल गैसकेट में लोकल कंपनी भी आती है, तो वो 14-15,000 तक भी पड़ जाती है, और एक अच्छी भी कंपनियाँ आती हैं वो आपको 30-40,000 तक भी पड़ती हैं। तो अपने बजट के ऊपर है कि अपन कौन सी गैसकेट लगवाना चाहते हैं। बाकी नॉर्मल यदि आप कोई भी गैसकेट लगवाओगे तो 18-20,000 तक की अच्छी गैसकेट आ जाती हैं मार्केट के अंदर, फिलहाल में अभी अच्छी गैसकेट आ जाएंगी। और इसके अंदर सारा प्रॉपर वायरिंग वगैरह किस तरीके से इंस्टॉलेशन की जा रही है, और इंजेक्टर भी लगाया जा रहा है, यानी बेंचुरी का जो वेपराइजर था वो सारा हट चुका है, और बेंचुरी के अंदर सिर्फ वेपराइजर के अलावा बाकी पार्ट कुछ नहीं होता, और उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो सारे हटा दिए गए हैं, और इसके अंदर सिक्वेंशियल गैसकेट के पार्ट जोड़ दिए गए हैं। बस इसके अंदर आपकी टंकी जो होती है वो चेंज नहीं होगी, टंकी आपकी वही रहेगी जो आपकी पहले से लगी हुई है। तो इस कारण दोस्तों मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं कि किस तरीके से बेंचुरी से सिक्वेंशियल और सिक्वेंशियल गैसकेट में कन्वर्ट की जा रही है। और दोस्तों, पूरा वीडियो आपको देख के अच्छा भी लगा होगा, और आपसे मैं हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करता हूँ
कि भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप वीडियो देख के प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो और कमेंट भी करना। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फेस टू फेस वीडियो भी बना दूंगा कि वेंचुरी गैसकेट और सिक्वेंशियल गैसकेट में क्या अंतर होता है, किस तरीके की दिखने में होती है, इसके ऊपर पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। इसकी जो सारे जो पार्ट हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं और मैंने स्टार्ट करके भी गाड़ी दिखा दी है। तो अब दोस्तों इस तरीके से मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और मैं इसी तरीके का कुछ ना कुछ अलग से एक वीडियो लाऊंगा। अब दोस्तों मेरा चैनल यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाए। अब अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।